92.7 बिग एफएम से मैं अजय आपके साथ हूँ अजमेर और स्वागत आपका। इस समय हम लोग बजरंगगढ़ के ठीक नीचे हैं, पीछे विजय स्मारक है। विजय स्मारक के ठीक नीचे इस समय एक ऑटो खड़ा हुआ आप देख रहे होंगे और ये ऑटो की खासियत ये है कि ये साहब सोलर पैनल लगा हुआ है इसमें और ये सौर ऊर्जा से चलता है। वो ऊपर वाला जब किरणें इस पर फेंकता है ये गर्म होता है, बैटरी चार्ज होती है और ये निकल पड़ता है। 120 किलोमीटर चलता है एक बार ही चार्ज होने के बाद। लेकिन खास बातें क्या हैं बताने के लिए ये पूरी टीम जो कि बैंगलोर से निकली है इनसे बात करते हैं। आपका नाम? सुशील रेड्डी। आपके बारे में बताएं। मैं मुंबई से हूँ। तो मैं एक्चुअली आइडिया जो है जर्नी का वो मैंने किया था 6000 किलोमीटर 60 दिन में। ओके, हाँ 60 दिन में आप 6000 किलोमीटर एक साथ करेंगे जी। तो आप क्या करते हैं? मैं एक्चुअली फ्रीलांसर हूँ। अच्छा। सोलर एनर्जी इंडस्ट्री में काम करता हूँ। ओके, एंड आपके बारे में कुछ बताएं। मैं ऋत्विक हूँ। मैं बैंगलोर से हूँ। ओके, हिंदी तो ठीक नहीं है। ठीक है, चलेगी, टूटी फूटी भी चलेगी। हाई, दिस इज सुधीर फ्रॉम चेन्नई। आई एम डिन R&D ऑन दिस व्हीकल। आई एम फ्रॉम वोल्टा ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड। ओके, एंड पल्लवी, फ्रीलांसर कम्युनिकेशन एंड कंटेंट। ओके, तो मुझे ये बताओ कि अगर ये ऑटो सोलर से चल रहा है, ऑब्वियसली एक दिन आएगा कि जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ हम लोग भाग रहे हैं कि वो हमें मिल जाए, क्योंकि ये एंडलेस हैं, राइट? और मोटो यही है कि ये जो एंडलेस एनर्जी है इसका हम यूज़ करें। सो ये ऑटो की खासियत क्या है? तो ये जो ऑटो है वो एक बैंगलोर की कंपनी है, वोल्टा ऑटोमेटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो उन्होंने एक रेट्रोफिट किया गाड़ी। तो जो पुराना पेट्रोल रिक्शा होता है उसका पेट्रोल इंजन निकाल के इसमें एक मोटर और एक बैटरी फिट किया है। ओके, और इसका रेट्रोफिटिंग का एडवांटेज ये है कि जो आप जो पुरानी गाड़ियाँ हैं वो आप उसका रीसेल वैल्यू होता है उसके बॉडी का। तो यू आर नॉट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड। ओके, जो रेट्रोफिटिंग है तो आप पुरानी गाड़ियों को आप कन्वर्ट कर सकते हो और एक चार्ज पे 120 किलोमीटर तक आराम से इसको आप चला सकते हैं। और इसका स्पीड है 55 किलोमीटर एक घंटे में और इट परफॉर्मेंस सिमिलर टू पेट्रोल रिक्शा। तीन जनों को बिठा लेता है ये पीछे आराम से, तीन से ज्यादा। अच्छा, मुझे एक चीज समझनी थी। मान लो एक जो चीज सबके दिमाग में आती है कि यार जिस दिन बारिश होगी, वैसे तो हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है, राजस्थान है, लेकिन फिर भी बारिश नहीं हो, सूरज ना निकले, तब तो ये अटक जाएगा, फिर क्या होगा? तो अगर धूप नहीं है उसमें आपको 20 किलोमीटर कम रेंज मिलता है। तो अगर धूप नहीं है फिर भी आप 100 किलोमीटर तक आराम से इसको आप चला सकते हो और रात को इसको चार्जिंग पे लगा सकते हो तो चार्ज हो जाता है। तो चार घंटे में चार्ज हो जाता है फुल बैटरी और फिर वहाँ से 100 से 120 किलोमीटर। एक जो बात बहुत खास चल रही है और रिसर्चर्स भी बहुत ज़्यादा इस पर चल रही है कि सोलर एनर्जी जो है ये कॉस्टली बड़ा गेम है, तो क्या कहोगे इसके ऊपर? नहीं, कॉस्टली ज़रूर है, अभी भी कॉस्टली है, पर ये जो सोलर पैनल जो होता है उसका लाइफ टाइम 25 साल का होता है, 25 ईयर्स ऑफ लाइफ टाइम। तो ये एक्चुअली एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अगर आप इसको फॉसिल फ्यूल के साथ कंपेयर करते हो, यू आर सेविंग अप टू 30-40% ऑफ योर कॉस्ट। 30-40% आप कॉस्ट आप बचा रहे हो ओवर अ लॉन्ग टर्म। हाँ, 25 ईयर्स चले मिनिमम, तो हम लोग इतना बचा लेंगे। सो 25 ईयर्स तक ये आपका ऑटो चलेगा और पुराना ऑटो लेकर के उसे मॉडिफाई किया जा सकता है और ये किया जाता है। तो इट्स जस्ट एक्सपेरिमेंटल। तो अब मैं ये ऑटो चला के देखूंगा मेरे दोस्तों के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।
की एनर्जी से तो भाई साहब जो ऑटो चला के आए हो ना, मजा आ गया, एकदम बढ़िया वाली फीलिंग आ रही है। तो ऐसी धुन बदलती रहनी चाहिए। 92.7 बिग एफएम से और एमटीटीवी इंडिया से मैं अजय आपके साथ, बाय बाय। 92.7